हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर। आज हम आप लोग को इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करने जा रहे थे। इंटीग्रल कैलकुलस में 6-7 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जो 12 का कॉन्सेप्ट था, जो लिंक हम आपको शेयर कर दिया ग्रुप में। क्लास 6 रिमूव हो गया था, वह क्लास 7 में बता दिया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट। जितना भी इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे वह सब 12 का पार्ट था, जिसको आप देख लेंगे। अब हम आपको शुरू कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस। इससे भी एग्ज़ाम में पूछता है, 3 क्वेश्चन आस्क इन एग्ज़ाम, यहीं से मेरा सिलेबस शुरू होता है। तो आज भी आपका लाइव क्लास तो नहीं हो पाया, नेट का प्रॉब्लम है, तो आज भी क्लास रिकॉर्ड करके हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। तो आज जो हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं, यह आपका हो जाएगा क्लास फर्स्ट, यानी पहला क्लास जहाँ से मेरा सिलेबस शुरू हो रहा। क्लियर? इंटीग्रेशन आप लोग 12 में भी पढ़ा था, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट 5-6 क्लास लेकर आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है, उसको देख लेना। इंटीग्रल कैलकुलस BSc पार्ट 1 पेपर 2 में पढ़ना था सभी यूनिवर्सिटी को, लेकिन जिस छात्र का मिथिला यूनिवर्सिटी है उसको पार्ट 2 में पढ़ना था पेपर 3 में इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़ा था कि इंटीग्रेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता। एक होता था इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, जो बेसिक में हम बता दिया था आपको इनडेफिनिट और डेफिनिट। मान लो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यह इंटीग्रेशन ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और डेफिनिट है तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ लिमिट है ए से बी। अगर लिमिट लगा होगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट ना लगा हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा वेरिएबल होगा, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे थे इंटीग्रेशन में नया चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है रिडक्शन इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा चीज़ मैंने बता दिया है आपको। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है रिडक्शन इंटीग्रल। इस बैच का टाइम रहेगा अभी फिलहाल सुबह में 10 बजे से, सप्ताह में 2 या 3 दिन पढ़ाएंगे इंटीग्रल, और 2 या 3 दिन पढ़ाएंगे 2D या 3D, जो कल बताएंगे आपको बता देंगे। देखो रिडक्शन इंटीग्रेशन में क्या कहता है या क्वेश्चन कह रहा, तो ध्यान दीजिएगा। रिडक्शन फार्मूला फॉर पहला इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, और सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक ही लो करा। रिडक्शन फार्मूला से इसको बनाना है, टेन का पावर एन है, यहाँ एन का मान पॉजिटिव इंटीजर है, तो n का मान कभी इवेन भी हो सकता, n का मान कभी ऑड भी हो सकता,
तब आप इसको कैसे बनाते हो ध्यान देना। क्लियर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानते। देखिए, रिडक्शन इंटीग्रेशन है तो टेन का पावर एन, तो हम इसको मानेंगे लेट या आई एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? इलेवन ट्वेल्व में पढ़ा था कि जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, लेकिन यहाँ रिडक्शन इंटीग्रेशन है तो टेन का पावर एन, तो यहाँ लिखेंगे आई एन। अगर एन की जगह पाँच होता तो आई फाइव, एन की जगह चार होता तो आई फोर लिखते। क्लियर? आपने पढ़ा था अगर टेन का पावर इवेन है तो पावर में दो घटाएंगे, दो जोड़ेंगे, जिसको जोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे। और एक बताए थे टेन का पावर अगर ऑड है तो पावर में एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, टेन है तो सेक से गुना भाग करेंगे, टेन को तोड़ देंगे, सेक को मान लेंगे। वह हम आपको पिछला क्लास में बता दिए थे जो ट्वेल्व में पढ़ा था, लेकिन यहाँ कह रहा डिडक्शन इंटीग्रेशन से बनाओ। तो नियम है बाबू, टेन का जो भी पावर है पावर में दो घटाओ, दो जोड़ो, जिसको जोड़ो उसको तोड़ो, ध्यान देना। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन का पावर एन है, पावर में दो घटाएंगे तो एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या देखा कि टेन का पावर एन पावर में दो घटाओ, दो जोड़ो, जिसको जोड़ो उसको तोड़ो। क्लियर? टेन का पावर इवेन पावर में दो घटाओ, दो जोड़ो, जिसको जोड़ो उसको तोड़ो। तो हम इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन माइनस टू एक्स या सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब हम इसको गुना करें इसके साथ तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब बताइए बायां पक्ष में है यह आई एन। अब हम एक नियम बताए थे पिछले क्लास में, आप देखोगे क्लास तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पावर के अंदर जो भी टर्म्स है अगर इसका डीसी इसके बराबर है इसके पावर में एक जोड़ दो उससे भागा। याद करो वैसे हम नियम यहाँ बताए थे, आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स का होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी। मतलब पावर के अंदर यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, इस फंक्शन का डीसी अगर इसके बराबर है तो इसका जो भी पावर है पावर में एक जोड़ दो और उतने से भागा, नियम है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टेन का डीसी सेक स्क्वायर, तो टेन का पावर जो भी है एन माइनस टू उसमें अगर एक जोड़ोगे तो एन माइनस टू माइनस प्लस वन यानी एन माइनस वन, तो इसका डीसी इसके बराबर इसके पावर में एक जोड़ दो टेन के पावर एन माइनस टू प्लस वन यानी एन माइनस वन एक्स बटे एन माइनस माइनस। बउआ यहाँ देख रहे हैं टेन का पावर एन है तो इसको आपने आई एन लिखा, यहाँ टेन का पावर एन माइनस टू है तो इसको आप लिख सकते हो इसके अनुसार आई एन माइनस टू। बायां पक्ष में हो गया आई एन, यही हो गया आंसर। क्लियर? अगर टेन का पावर एन है इसको रिडक्शन फार्मूला से बनाना है तो जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई एन मानो, टेन का पावर इवेन रहे या और पावर में दो घटाओ दो जोड़ो,
जिसको जोड़ो उसको तोड़ो, इसको इसके साथ गुना किया, इसका डीसी इसके बराबर, इसके पावर में एक जोड़ दो उसी से भागा, माइनस इतना आंसर। क्लियर है? तब देखो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है डिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड नंबर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई एन मान लो, पावर आप बाद में देना, तभी यहाँ से लिया हम लोग आंसर, लेट आई एन बराबर इतना, यहाँ से आप निकाल लो ना, वी हैव आई एन का मान इतना, जब हम इसको बनाएंगे इसी तरह से इतना बन गया। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसको मान लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको मान लो, तो लेट आई एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स डी एक्स, लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर। तो वी हैव, पहले लिमिट छोड़ दिया, तो आई एन बराबर इतना, जब इसको बनाए तो इस तरह से बन गया। क्लियर? अब मान लो माइनस में बराबर किधर ला देते हो, तो हम इसको लिख सकते थे आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर टेन के पावर एन माइनस वन एक्स बट एन माइनस वन। यहाँ तक ध्यान दिए? लिखिए तो इसको फटाफट। क्लियर? अब देखो अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो इसीलिए यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर। इसी का वैल्यू यह निकाल लिए, यह हो जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन माइनस वन एक्स, समझ में आया? और बते में यह एन माइनस वन लिमिट हो गया जीरो से पाई बाई। तो मान लो यह तो इंटीग्रेशन ऑफ बना लिए, तो बाद में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू दे दो इस तरह से, यह जो कोफिशियंट है बाहर कर दिया वन बाई एन माइनस वन और टेन के पावर एन माइनस वन एक्स, लिमिट हो गया जीरो से पाई बाई फोर। क्लियर? अब बताओ यह हो गया आई एन प्लस आई एन माइनस टू, तो वन बाई एन माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ पाई बाई फोर, तो टेन पैंतालीस का मान वन, तो यह हो जाएगा वन माइनस टेन जीरो जीरो, यानी यह हो गया आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर वन बाई एन माइनस वन, यही हो गया आंसर। क्लियर? अगर लिमिट लग जाए तो इतना हो जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर वन बाई एन माइनस वन, या अगर इसको और उधर भी ले सकते हो, कहीं कहीं किताब में से भी लिखा रहता कि आई एन बराबर वन बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, यह भी हो सकता था। तो टेन का पावर कुछ भी रहे तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन अगर अंक में दे दिया है कुछ भी, तब आप उसको कैसे बनाते हो, थोड़ा ध्यान देना। क्लियर? देखो
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह रहा है इसको रिडक्शन फार्मूला से बनाना है, यानी ई वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर और टेन के पावर फाइव एक्स डी एक्स। यहाँ से आप निष्कर्ष निकालना कि सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन है उसको मान लिया आई, लेकिन यहाँ पावर पाँच है तो आई फाइव लिखते, लेकिन यहाँ से हम लोग जानते हैं वी नो दैट बाय रिडक्शन फार्मूला, बहुत इजी है वो रिडक्शन फार्मूला, एग्जाम में रहता क्वेश्चन, या इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स डी एक्स और लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर। यहाँ से क्या देखा, इसी को ना आपने आई एन माना, इसका वैल्यू हो गया वन बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। अब यहाँ से ध्यान दो, अगर टेन का पावर एन है तो यहाँ एन माइनस वन है, तो इसके अनुसार अगर आप इसको सेट करते हो तो इसके अनुसार मेरा फार्मूला तैयार हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, टेन का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स जब आप इसको बनाए थे तो इस तरह से आ गया, अगर लिमिट देते हो तब भी बन जाएगा, लिमिट नहीं दोगे तब भी बन जाएगा। ध्यान दे रहे हैं सभी आदमी, तो अब बताओ अगर यहाँ से क्या दिया हुआ, पुट एन के जगह पाँच, कहा है कि हमको टेन के पावर पाँच है, तो जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ पाँच, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर, तो वन बाई पाँच माइनस एक यानी चार माइनस आई पाँच माइनस दो यानी तीन आई थ्री। फिर अगर आप इसको तोड़ते हो तो यह हो जाएगा एक बटे चार माइनस, देखो यहाँ एन है तो एन माइनस वन, यहाँ तीन है तो जगह एक बटा तीन माइनस एक यानी दो माइनस आई, तीन में से दो गया तो एक यानी आई वन। क्लियर? अब आप बताओ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर, तो इसको आपने आई एन माना और यहाँ टेन आई वन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट एन का मान वन, तो ये जगह आई वन बराबर जीरो से पाई बाई फोर और टेन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? और टेन का इंटीग्रेशन जानते थे लॉग इंटू सेक एक्स, फिर वैल्यू दे देंगे इसका कुछ मान आ जाएगा। गौर किए यहाँ से, ये जगह लॉग इंटू सेक एक्स बेस ई और लिमिट हो गया जीरो से पाई बाई फोर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग इंटू सेक पाई बाई फोर माइनस लॉग इंटू सेक जीरो, सेक पैंतालीस रूट टू, तो जगह लॉग रूट टू लॉग सेक जीरो वन, लॉग जीरो सेक जीरो वन तो लॉग वन बेस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग रूट टू बता वन, वैसे भी लॉग वन का मान जीरो, लॉग टू बेस यानी वन बाई टू इन टू लॉग टू बेस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। गौर किए? चलिए तब बताओ, जब यहाँ वैल्यू देंगे तो यह हो जाएगा एक बटे चार माइनस एक बटा दो माइनस माइनस प्लस आई वन, तो यह हो गया एक बटे चार माइनस एक बटे दो प्लस एक बटा दो इंटू लॉग टू बेस, ये दोनों को सॉल्व कर देना, यह एक साथ आ जाएगा, वन बाई टू अगर कॉमन ले लेते हो तो यह एक बटा चार में से अगर एक बटा दो एक साथ घट गया तो यह चार लघुत्तम, तो एक माइनस दो तो माइनस एक बटा दो, इसका वैल्यू अगर यहाँ से आप लिखोगे, अगर एक बटा दो कॉमन ले लोगे तो यह हो जाएगा लॉग टू बेस ई माइनस वन आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हो, देखिए आई वन का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया,
तो अगर रिडक्शन फार्मूला से कहे बनाने के लिए टेन का पावर एन रहे तो आप आसानी से बना सकते हो। अब एन की जगह अंक में पाँच रहे, चार रहे, छः रहे, तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज रिकॉर्ड करके डाल दिए बाबू। देखो यह क्वेश्चन कह रहा है डिडक्शन, मतलब रिडक्शन फार्मूला से बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरा रिडक्शन फार्मूला फॉर पहला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स डी एल और सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स डी एक्स, लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर। अगर लिमिट ना लगा है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट लगा हुआ है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर डेफिनिट है उसका आंसर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, अगर इनडेफिनिट है उसका आंसर हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर पहला नंबर, जैसे आपने टेन सीख गया तो कॉट भी सीख जाओगे, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कॉट का पावर एन है तो इसको आई एन मानेंगे। अब टेन रहे या कॉट, पावर में दो घटा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स नियम है बनाने का। अगर आप मेरा थ्योरी सीख रहे हैं ना तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो टेन का पावर जो भी है, पावर में दो घटा दो जोड़ो, जिसको जोड़ो उसको तोड़ो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन माइनस टू एक्स, यह हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इन। अब इसको इसमें गुना किया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब देखो इसका डीसी इसके बराबर, तो कॉट का डी सी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस नहीं है तो अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो इसका डी सी इसके बराबर, इसका जो भी पावर है पावर में एक जोड़ दो उतना ही से भागा, तो जगह माइनस कॉट के पावर एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन। इंडक्शन फार्मूला से अगर कॉट का पावर एन तो आपने इसको आई एन लिखा, कॉट का पावर एन माइनस टू तो इसको लिख सकते हो आई एन माइनस टू। ये किसका हो गया, यह आई एन बराबर आंसर। क्लियर? तो पहला नंबर का आंसर यही तैयार हो गया, लिखा जाए इसको। तो यह एक्स्ट्रा हम शुरू कर रहे थे बाबू, टाइम दिया था इसका 10 बजे से, अभी आप लोगों को ग्रुप में समय नहीं बताए थे, आज रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, लिंक जाएगा तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। क्लियर? इसलिए हम इंटीग्रल का जो बेसिक क्लास लिए थे 5-6 क्लास, उसमें एक वीडियो रिमूव हो गया था, उसको हम अगले क्लास में बता दिए थे, तो वह आप देख लेंगे और यह कुछ देर के बाद आपके ग्रुप में चल जाएगा। कारण कि अभी कोरोना काल है बाबू, अब तो पूर्णतः ऑफलाइन क्लास बंद है, यही एकमात्र सहारा है ऑनलाइन। लेकिन एग्जाम टाइम पर ही होगी, इसलिए अलग से हम आपको यह एक्स्ट्रा समय दे के समाप्त कर रहे थे कुछ दिन के लिए, और कल शुरू करेंगे जो बता देंगे अभी लाइव क्लास में। चलिए अब अगला देखो, यहाँ से कह रहा कि सेकेंड नंबर आंसर, कि यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन यह है, जैसे अगर टेन बनाए उसे कॉट बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले
जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, तो हम यहाँ से मान लिया लेट, ये सेकेंड नंबर का आंसर ऑफ सेकेंड, तो लेट आई एन बराबर इंटीग्रेशन कॉट के पावर एन एक्स डी एक्स और लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर, तो यहाँ से पावर को भी हटा दिए, तो यहाँ से लिए वी हैव यह आई एन का मान इतना, जब अगर हम इसको बनाएंगे तो इतना निकल गया आई एन बराबर इतना, क्लियर। यही आई एन को आप लिख सकते हो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस कॉट के पावर एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, क्लियर। तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें लिमिट लगा हुआ था, तो हम भी अगर लिमिट चढ़ा देंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, तो फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर एन एक्स डी एक्स लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर, तो यह हो जाएगा माइनस वन बाई एन माइनस वन, यह हो जाएगा कॉट के पावर एन माइनस वन एक्स, लिमिट हो गया जीरो से पाई बाई फोर माइनस आई एन माइनस टू। देखो माइनस वन बाई एन माइनस वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ पाई बाई फोर, और कॉट पैंतालीस वन, वन का कुछ पावर वन, तो वन माइनस जीरो माइनस आई एन माइनस टू, इसको गुना करें माइनस वन बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, यह हो गया आई एन आंसर। अगर इसी को बराबर किधर लाते हो तो इसको और लिख सकते हो कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर माइनस वन बाई एन माइनस वन, यह भी कह सकते हो। तो अब बताओ अगर टेन रहे कॉट रहे, टेन का पावर कुछ भी रहे कॉट का पावर कुछ भी रहे, तो हम आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, होमवर्क में आप बना सकते हो। ध्यान दिए, एक और देख लिया जाए, आज तो हम सिर्फ शुरुआत कर रहे थे बाबू, एक रिडक्शन फार्मूला भी मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, इसका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक बताएंगे कि साइन रहे और कॉस रहे, फिर साइन कॉस एक साथ रहे, जो हम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन बताएंगे। तो यह टेन या कॉट रहे, लिमिट रहे या ना रहे, लिखा रहेगा रिडक्शन फार्मूला से, तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करा रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला फोर, पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एन एक्स डी एक्स, सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एन एक्स डी एक्स लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, चौथा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, क्लियर। तो यह जो चारों क्वेश्चन है, अगर लिमिट लगा हुआ है तो डिफिनिट, नहीं है तो इनडिफिनिट, अगर लिमिट लगा हुआ भी है तो पहले इनडिफिनिट के जैसा क्वेश्चन बनाएंगे और बाद में लिमिट लगा देंगे। यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो यह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। आज हम बिना कहे आपको शुरू किया था डिडक्शन इंटीग्रेशन, इस बैच का टाइम रहेगा 10:15 से 11 बजे तक,
जो हम आपको लिंक भेज देंगे। क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।